आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने आम लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए उठाया कारगर कदम। आधुनिक तकनीक के जरिए पुलिस साइबर क्राइम की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। वर्ष 2023 में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर क्राइम के शिकार लोगों के लगभग 2,58,00,000 रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। मौजूदा समय में साइबर क्राइम की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन गई हैं, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने आम लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए कारगर कदम उठाया है। आधुनिक तकनीक के जरिए पुलिस साइबर क्राइम की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस क्षेत्र में साइबर क्राइम की शिकायतों के आधार पर 2,58,34,000 रुपए बरामद की गई थी। साइबर अपराधी जिन लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक अकाउंट से रुपए उड़ा लेते हैं, वो राशि पुलिस तत्परता के साथ बरामद कर पीड़ित लोगों को वापस लौटा रही है। वर्ष 2023 के जनवरी महीने में ही कुल 6,53,000 रुपए की वसूली की गई। वहीं जनवरी 2022 में सिर्फ 2,32,438 रुपए की वसूली हुई थी। रानीगंज थाने की पुलिस ने सर्वाधिक 21,35,000 रुपए और कुलटी थाने की पुलिस 15,08,000 रुपए बरामद करने में सफल रही। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने 17 पुलिस थानों में साइबर अपराध की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है, जहां लोग आसानी से साइबर अपराध की शिकायत कर सकते हैं। DCP ने आश्वासन दिया कि ये सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं कि साइबर अपराधियों द्वारा ठगे गए लोगों को किसी भी उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस DCP डॉक्टर कुलदीप SS ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पोर्टल प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा अब से पुलिस साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए AI और ChatGPT की मदद लेगी। इस पोर्टल के माध्यम से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के निवासी घर बैठे ही अपनी शिकायत पुलिस को दे सकते हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस GPT के जरिए साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी इन अपराधों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे। साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस जनवरी के अंत में पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक और शिविर आयोजित किया गया है। प्रत्येक थाने में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये कोशिश इसलिए है ताकि पुलिस अधिकारी साइबर धोखाधड़ी से लड़ सके। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दी फैमिली स्टोर। बाताशे शिवली फुलेर गंध मानेई मायेर आगमनी, पुजोर केनाकाटा मानेई मोहन। मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज।